ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और म्यू की वैल्यू 1.5। यहाँ पर कन्वेक्स लेंस दिया आपको ऐसे, ठीक है, इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स है 1.5, ऐसे दिया आपको, हैविंग द फोकल लेंथ इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। ओके, इसका देखो यहाँ पर ना, इसका ये वो निकाल सकते हो आप, इसका आर वन कितना है 10 सेंटीमीटर, आर टू कितना है 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ निकल जाएगी लेंस मेकर्स फॉर्मूला से। बाहर ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, एन टू अपॉन एफ, यानी कि 1.5 अपॉन में एफ इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन। एन टू अपॉन एफ होता है कि एन वन अपॉन एफ होता है, ये एन वन अपॉन एफ होता है, ये बाहर का मीडियम है 1, फिर एन टू माइनस एन वन इन टू में 1 अपॉन में, 1 अपॉन में आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू होता है यार, ये होता है, ठीक है। अब 1 बाय एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यहाँ से चलो आप, यह आएगा प्लस 1/10, फिर माइनस में 1 अपॉन में क्या लिखोगे यहाँ पे, माइनस 10 लिखोगे यहाँ पे। देखो अगर ये कॉन्वेक्स बाउंड्री आता तो प्लस और कॉनकेव बाउंड्री आता तो माइनस लिखोगे, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1/2, 1/10 प्लस 1/10, बोले तो 2/10, 1/2 इंटू 2/10 यानी 1/10, 1/f, फोकल लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ बाय द वे 10 ही आ गई इसकी। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर द हैविंग ए फोकल लेंथ इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, एक और कॉनकेव मिरर और उसकी फोकल लेंथ इसकी फोकल लेंथ के बराबर है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना, इसका डबल कर दो 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। समझ आ गया आपको? ओके, और बताओ जी।